नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिला सिंगरौली क्षेत्र के बरगवा में सभी सामाजिक संगठनों को कर रहे विस्थापित भूख हड़ताल के मजदूरों का मिल रहा भारी समर्थन। हिंडाल्को महान परियोजना के विस्थापित और श्रमिक दिनांक 17 जनवरी 2020 से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ना तो हिंडाल्को प्रबंधन की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां पर उपस्थित हुआ कि उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण कर सके। इसलिए अब ये स्थिति बन चुकी है कि विस्थापित और श्रमिक दिनांक 21 जनवरी 2020 से भूख हड़ताल पर बैठ चुके, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। प्रबंधन और प्रशासन का अगर यही रवैया रहा तो विस्थापितों की हालत नाजुक हो सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और हिंडाल्को प्रबंधन की होगी। और ये भूख हड़ताल तब तक अनवरत जारी रहेगी जब तक कि यहाँ की मौन प्रशासन और हिंडाल्को प्रबंधन की आंखें खुल नहीं जाती। और आज 12 वर्षों से हिंडाल्को द्वारा किए जा रहे प्रताड़ना का निराकरण नहीं किया जाता। अभी तक लगभग 20 बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन पालन नहीं किया गया, जिससे आज ये स्थिति निर्मित हो चुकी है। ये सिर्फ हिंडाल्को के विस्थापित और श्रमिकों की समस्या नहीं है, संपूर्ण सिंगरौली में विस्थापित उद्योगों के विस्थापितों और श्रमिकों की समस्या है। इसलिए सभी सामाजिक संगठनों और समस्त क्षेत्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि वो सभी हिंडाल्को गेट नंबर 1 पर पहुंचे, यहां के विस्थापितों की समस्याओं को पूरे देश तक पहुंचाने का कार्य करें। ये जो एग्रीमेंट करारनामा हुआ है उसका कंपनी पालन नहीं कर रही, उसका भरपूर पालन किया जाए। विस्थापितों को नौकरी दिया जाए, विस्थापितों को जो भत्ता देने लायक है उनको भत्ता दिया जाए, विस्थापित परिवारों का जो पेंशन कम है उनको पेंशन दिला जाए, जो विस्थापित में अंडर एज के जिसको उस ऊपर 17 साल के थे वो आज तक उन्हें 18 साल नहीं किया जा रहा है, और जो उस ऊपर 45 साल के थे उन्हें 60 साल करके रिटायर कर दिया जा रहा है। तो उन जो 70 साल के बच्चे हैं उनको ITI भेजा जाए, जो ITI डिप्लोमा बीटेक किए हैं उन्हें कंपनी में रोजगार स्थायी रूप में दिया जाए। यही हम लोगों की समस्या है, यही मांग लेके बैठे हैं। कल देवसर विधायक सुभाष वर्मा जी आए थे आप लोग के पास, उन्होंने क्या बोला, कोई आश्वासन मिला उनसे? उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है कि विस्थापितों की समस्या का समाधान कराया जाए, और अभी जा रहा हूं तो पुनः उनसे बात करेंगे कि इनका निराकरण कराया जाए, अगर नहीं करते हैं तो हम स्वयं भूख हड़ताल पर बैठे। तो अभी कब तक ये भूख हड़ताल आप लोग की चलती रहेगी? ये हम लोगों का भूख हड़ताल अनवरत जारी रहेगा जब तक हम लोगों का निराकरण नहीं होगा। विस्थापितों के साथ साथ कंपनी जो यहाँ पे और स्थानीय लोग हैं जो 8 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उन्हें भी करारनामे के अनुसार रोजगार प्रदान कराएंगे। We'll be right back.